हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, नाइन्थ चैप्टर। उससे पिछली क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? एट चैप्टर पढ़ा था। आपको होमवर्क भी तो दिया था, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, नाइन्थ चैप्टर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। बच्चों, नाइन्थ चैप्टर हमारी एक प्यारी सी कविता है, उसका क्या नाम है? कौवा बना मोर। वेरी गुड। इस कविता में क्या बताया है, चलिए पढ़कर समझ लेते हैं। एक तक कौवा सोचे अक्सर, कितने सुंदर सारे पंछी, फिर मुझको ही क्यों भगवान ने ऐसी काली काया बख्शी। जंगल में कौवे को एक दिन मोर के पंख मिल गए प्यारे, झूम उठा वो पंख देखकर हो गए उसके वारे न्यारे। वेरी गुड। सोचे कौवा मन ही मन, ये मोर के पंख लगाऊंगा, कौवे की काया को तजकर मोर का रूप सजाऊंगा। फिर क्या लिखा, खून से पंख कमर में उसने, खून से पंख कमर में उसने मोर सा रूप सजाया था, चलने लगा मोर सी चाल अपने पर इतराया था। पहुंचा मोरों की टोली में, मोर बड़े मतवाले थे, उस पर ऊपर आसमान में छाए बादल काले थे। नाच देखकर मोरों का तब कौवा जोश में आया था, कौवा जोश में आया था, पूरी कोशिश कर ली उसने, पंख ना फैला पाया था। फिर मोरों की बोली में उसने भी सुर मिलाए थे, सुनकर बोली काऊ काऊ की, मोर बड़े गुस्साए थे। मतलब मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले आप कविता पढ़िए। टूट पड़े कौवे पर मोर, घायल उसको कर डाला, पंख नोच कर चोच मार कर झुंड से बाहर निकाला। जान बचाकर वापस कौवा अपने घर को भागा, मोर के पंख मोर की चाल नारे बाबा तोबा तोबा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कौवे ने कहा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि क्या कहा है इस कविता में। बच्चों, एक कौवा था, वो अक्सर यही सोचता था कि सारे पंछी कितने सुंदर हैं, फिर मुझको ही भगवान ने ये काली काया क्यों दी। जंगल में कौवे को एक दिन मोर के पंख मिल गए और वो मोर के पंख को देखकर झूम उठा। और फिर उसने क्या किया, उसने कौवे ने उस मोर के पंख को लगाऊंगा अपने शरीर पर, ऐसा सोचा। फिर कौवे की काया को तजकर मोर का रूप सजाऊंगा, मतलब कौवे की काया को छोड़कर अब मोर का रूप सजाऊंगा, ऐसा कौवे ने सोचा। फिर क्या हुआ, खून से पंख कमर में उसने, खून से कमर मतलब कि अब वो जो मोर के पंख थे उसने अपनी कमर पे लगाए और फिर मोर की चाल चलने लगा। फिर अपने पर इतरा भी रहा था, जब वो मोर की चाल ऐसे चल रहा था ना, तो कौवा इतरा रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। पहुंचा मोर की टोली में, वो कहाँ पहुंच गया, मोर की टोली में पहुंच गया कौवा, मोर पंख लगाकर। मोर बड़े मतवाले थे, उस पर ऊपर आसमान में छाए बादल काले थे। नाच देखकर मोरों का तब कौवा जोश में आया था, मोरों का डांस देखकर अब कौवा भी जोश में आ गया, उसका भी मन कर रहा था डांस करने का। पूरी कोशिश कर ली उसने, पंख ना फैला पाया था। बच्चों, जैसे मोर डांस करते और अपना पंख ऐसे फैला लेते हैं, पंख ले फैला लेते हैं ना, आपने देखा है मोर? वेरी गुड। ऐसे ही उसने कितनी ही कोशिश कर ली, वो पंख नहीं फैला पाया, कौवा। वेरी गुड, चलो आगे पढ़ते हैं। फिर मोरों की बोली में उसने भी सुर मिलाए थे, अब मोर गाना गा रहे हैं, अब कौवा भी गाने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने सुर मिला रहे थे। सुनकर बोली काऊ काऊ की, मोर बड़े गुस्साए थे। जब कौवे ने काऊ काऊ किया तो मोर गुस्से में आ गए और फिर क्या किया मोरों ने कौवे को घायल कर दिया चोच मार मार कर, और उसके पंख भी नोच लिए और झुंड से बाहर कर दिया, अपनी टोली से बाहर कर दिया। जान बचाकर जब कौवा वापस भागा, कहाँ, अपने घर को, मोर के पंख मोर की चाल, कौवे ने क्या कहा, ना बाबा तोबा तोबा। ऐसा कहकर कविता हमने पूरी समझ ली और हमने समझा कि मोर कभी नहीं बन सकता कौवा। वेरी गुड, आपने कविता बहुत अच्छे से समझी। आइए इसका अभ्यास करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ समान अर्थ वाले अर्थ मतलब समान अर्थ वाले दूसरे शब्द लिखने हैं, काग ग खग मयूर, ईश्वर और शरीर। काग मतलब कौवा, वेरी गुड, दूसरा शब्द ऐसे ही खग मयूर,
ईश्वर और शरीर इनके दूसरे अर्थ वाले, मतलब कि समान अर्थ वाले दूसरे शब्द लिखने हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? जैसे काग, काग को और क्या कहते हैं? कौआ कहते हैं। दूसरा शब्द है लेकिन मतलब अर्थ एक ही है ना? वेरी गुड। ऐसे ही आपको कंप्लीट कर लेना है। बच्चों बताओ, कौन कैसे बोलता है, कौआ कैसे कहता है, काव काव मोर कैसे करता है, वो आपको बताना है। तोता का भी आपको बताना है, कोयल का भी आपको बताना है, क्योंकि अभ्यास तो आपको करना है ना। आप क्या करोगे, जब अभ्यास अच्छे से करोगे तभी तो एक स्मार्ट बच्चे बन पाओगे। वेरी गुड, चलिए आगे करते हैं। अब इसमें हमें प्रश्न उत्तर देने हैं बच्चों। कौआ अपने आप पर, अपने आप को देखकर क्या सोचता था? वो कहता था सभी पंछी इतने सुंदर है, ये काली पर काली काया मुझे ही क्यों दी भगवान ने, यही सोचता था ना। वेरी गुड। ऐसे ही कविता को आपको पूरा समझ तो लिया आपने, एक बार और पढ़ना है और उसके उत्तर ढूंढकर प्रश्न में लिख देने हैं। चलिए आगे कर लेते हैं। इस कविता को कहानी के रूप में लिखो बच्चों। जैसे आपने कविता को पढ़ी ना, इसको आप कहानी के रूप में लिखना है। कहानी जैसे कहानी सुनते हो ना, ऐसे ही जो जो कविता में घटना हुई है उसको लिखना है। लिखोगे बहुत अच्छे। आगे क्या पूछा है बच्चों? समान तुक वाले शब्द छाटो। समान तुक वाले शब्द कविता से छाटना है और इसमें लिख देना है। समान तुक, एक जैसे, मतलब कि काला, लास्ट में हमें शब्द देखना है ला, मतलब लास्ट में क्या आया है, आ आया है ना। दूसरा शब्द ऐसा लिखो जिसमें आ आया हो लास्ट में, काला ला ला। वेरी गुड। फैलाए, फैलाए आगे क्या लिखेंगे? ऐसा शब्द लिखो दूसरा जिसमें लास्ट में ए आए, फैलाए। लाए, लाए भी लिख सकते हो यहाँ पे, फैलाए। वेरी गुड। दूसरा क्या लिखोगे? सोचो सोचो, सोच कर ही लिखोगे। वेरी गुड। चलो इसमें बताना है, इस कविता पर आधारित चित्र बनाओ। इसमें एक चित्र बनाना है आपको, कौवे का या फिर मोर का। वेरी गुड। आगे सातवां प्रश्न बच्चों। मेरा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है, कौन कहलाता है? मेरा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है भारत के आसपास के देशों के राष्ट्रीय पक्षी, पशु और पक्षियों की जानकारी एकत्रित करो। बोलो बोलो, कर लोगे ना? क्यों नहीं करोगे, आप स्मार्ट बच्चे जो हो। वेरी गुड। इस क्लास में हमने 9th चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में 10th चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना? वेरी गुड। तब तक आप क्या करना है, होमवर्क कंप्लीट कर लेना है अपना। चलिए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। वेरी गुड। बाय बाय बच्चों।